आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है 2 पेंटीन पर HBr का संयोजन देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो विकल्प दिए गए हैं उसको ना देखते हुए हम लोग अभिक्रिया को पहले लिखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। तो 2 पेंटीन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5 कार्बन है, पहले कार्बन पे द्विकबंध नहीं लगा है लेकिन दूसरे कार्बन पर द्विकबंध लग गया है, ठीक है। अब 3 कार्बन हो गया और इधर हो गया ये चौथा और ये हो गया पांचवा, और इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, HBr से करा रहे हैं। तो हम लोगों को पता है एल्कीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक योग अभिक्रिया देता है और HBr जो है वो अम्लीय गुण वाला होता है, तो इसके वजह से ये H धनात्मक और Br ऋणात्मक में टूटता होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक गुण वाला कौन है, H धनात्मक है, तो इससे जब अभिक्रिया होगा तो 2 प्रकार के कार्बोकैटायन का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखें CH2 और CH3। तो अगर ये H धनात्मक को देखते हुए जो द्विकबंध है वो इधर से इधर चला जाए तो क्या होगा, जो पहला हम लोगों को कार्बोधनायन मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3, और यहां पर आ जाएगा अब ये धनात्मक और ये आपका हो जाएगा CH2 और CH3, ठीक है। और दूसरा जो हम लोगों को मिलेगा अगर वो कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ चला जाता है तो हाइड्रोजन इस कार्बन पे फिर लग जाएगा, तो यहां पर हम लोग दूसरा भी कार्बोधनायन लिखें CH3 CH2 और CH धनात्मक, और फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, हरे रंग का जो कार्बोधनायन है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से धनात्मक आई प्रेरण प्रभाव जो है वो ज्यादा है, जबकि इसमें एक तरफ से कम है और एक तरफ से ही बस ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्थायी होगा, तो इसका जो मुख्य उत्पाद हम लोगों को मिलेगा वो ज्यादा स्थायी मिलेगा, यानी कि ज्यादा मिलेगा सांद्रण में, ठीक है। तो हम लोग इसका मुख्य उत्पाद लिखेंगे तो CH3 CH2, और कार्बोधनायन पर जाकर ब्रोमाइड जो ये था वो लग जाएगा, तो यहां पर हम लोग एक ब्रोमीन लगा दें और ये हम लोगों का हो गया CH2 CH3। तो एक तो इसका मिल गया, और दूसरा अगर हम लोग इसके लिए बात करें तो इसमें जब ब्रोमाइड लग जाएगा तो इसका क्या मुख्य उत्पाद बनेगा, उसको भी हम लोग लिख दें, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH3, और यहां पर CH पे धनायन था तो ये ब्रोमीन लग गया और ये हो गया CH2 CH2 और CH3, ठीक है। तो कुल कितने कार्बन है, तो 3 और 2 5 कार्बन है, तो एक तो हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन, है ना, 2 ब्रोमोपेंटेन हम लोगों का हो गया, और एक क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 2 5 इधर भी कार्बन ही होंगे, है ना, और लेकिन अब जो है वो तीसरे नंबर पर ब्रोमीन लगा है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। तो ये दोनों ही बनेंगे लेकिन ज्यादा किसका बनेगा, ज्यादा सांद्रण किसका होगा, 3 ब्रोमो का होगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्थायी होगा। अब देखिए दिए गए विकल्पों में हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि तीसरा विकल्प हम लोगों का यहां पर सही है, तो हम लोग उत्तर लिख देंगे क्या, तीसरा विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।